पूर्वांचल की सियासत में खास पैठ रखने वाले, सियासी रणभूमि के शेर कहे जाने वाले वो नेता जो मुलायम सिंह यादव की सरकार से लेकर कल्याण सिंह और फिर मायावती की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, वो नेता जिनकी स्वीकार्यता हर दल में रही, वो नेता जो राम लहर में भी जीत का परचम जब लहराते हैं तो विरोधी भी उनका स्वागत करते हैं, उनके वर्चस्व को स्वीकार करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। हम बात कर रहे हैं सुखदेव राजभर की, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और अब खबर ये कि उनका निधन हो गया है। जब सुखदेव राजभर नहीं हैं तो एक तरफ सोशल मीडिया पर तमाम दिग्गज नेता उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं और उनकी सियासत को लेकर चर्चाएं भी आम हो गई हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको उनके सियासी सफर के बारे में बताएं, सुखदेव राजभर किस तरह से किन किन दलों के लिए खास रहे उसको समझाएं। तो इसके लिए आपको जाना होगा 90 के दशक में, जब मंडल बनाम कमंडल की एक सियासत थी, जब ये कहा गया कि भाई भगवा ही हर तरफ लहराएगा, कमल ही खिलता दिखाई देगा। उस बीच उस समय सुखदेव राजभर ने सियासत में एंट्री ली और एंट्री ऐसी ली कि बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले, सबसे मजबूत कैंडिडेट माने जाने वाले नेता को, नरेंद्र सिंह को शिकस्त दे दी। हम बात 1991 के विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, जब लालगंज सीट से सुखदेव राजभर नरेंद्र सिंह के सामने थे। हर तरफ चर्चा आम थी कि बीजेपी का ही उम्मीदवार जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुखदेव राजभर ने सारे समीकरण बदल दिए थे और नतीजा ये हुआ था कि महज 24 वोट, जी महज 24 वोट से सुखदेव राजभर जीत जाते हैं, बीजेपी के वो मजबूत उम्मीदवार हार जाते हैं। सिलसिला आगे बढ़ता है और 93 में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है, जब लालगंज सीट से एक बार फिर से विधायक बन जाते हैं सुखदेव राजभर। लेकिन 1996 में एक ब्रेक सा लगता है और फिर से वही दो कैंडिडेट सामने सामने होते हैं, नरेंद्र सिंह होते हैं सुखदेव राजभर के सामने और इस बार जीत जो होती है वो नरेंद्र सिंह के पाले में चली जाती है। लेकिन सबसे खास बात यह कि हार के बावजूद सदन में उनकी उपस्थिति होती है, कैसे हम आपको बताते हैं। विधान परिषद में उनको नेता बनाया जाता है, वो MLC बन जाते हैं। एक बार फिर से 2002 और 2007 में लालगंज सीट से ही वो अपना चुनावी दांव लड़ते हैं और फिर से जीतते हैं, यानी कि वो लालगंज सीट से चार बार विधायक चुने जाते हैं। लेकिन जब 12 का चुनाव आता है तो समीकरण कुछ बदल जाते हैं, दरअसल परिसीमन हो जाता है और परिसीमन की वजह से जो लालगंज सीट थी जहां से सुखदेव राजभर बार बार जीत रहे थे वो रिजर्व सीट हो जाती है। तो इस वजह से जो नई सीट बनती है वो वहां से ताल ठोकते हैं और ये नई सीट होती है दीदारगंज की सीट। यहां से ताल तो ठोकते हैं सुखदेव राजभर, लेकिन कहते हैं कि ये जो 12 का चुनाव था उनके लिए एक बड़ा सेटबैक था, उनके लिए एक बड़ा झटका था, वो चुनाव हार जाते हैं। लेकिन 17 में एक बार फिर से उनकी मौजूदगी उनके विरोधियों को चुभ जाती है, जब 17 में वो एक बड़ी जीत दर्ज करते हैं। तो ये रहा उनका सफर कि कैसे कैसे वो चुनाव जीतते गए, लेकिन किस तरह से वो तमाम सरकारों के लिए, तमाम पार्टियों के लिए खास रहे, जरा उसे भी देखिए। तो देखिए कि जब 1993 में समाजवादी पार्टी और BSP के गठबंधन की सरकार बनती है तो वो मंत्री बनते हैं। इसके बाद मायावती सरकार में उनको प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है 2007 से 2012 तक के लिए। तो मायावती कल्याण सिंह और मुलायम की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। तो मूल रूप से आजमगढ़ के होते हैं सुखदेव राजभर, बड़गहन गांव से और BSP के लिए बहुत खास होते हैं और जो 17 का चुनाव वो जीतते हैं वो BSP के टिकट पर ही जीतते हैं। BSP के लिए कितना बड़ा उनका चेहरा था, कितना बड़ा उनका कद था, इस बात से समझिए कि कांशी राम ने जब BSP की स्थापना की थी तो वो जो आधार रखने वाले नेता थे उसमें एक थे। लेकिन BSP की नींव रखने वाले नेता की खबरें ऐसी आती हैं कि वो BSP छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। खूब चर्चा में रहते हैं अपने एक खत की वजह से जो उन्होंने मायावती को लिखा था। उस खत में क्या था जरा एक बार वो भी आपको बता दें। तो 31 जुलाई को सुखदेव ने BSP सुप्रीमो मायावती को जो पत्र लिखा था उसमें साफ कर दिया था कि वो अखिलेश समर्थक हैं। उसमें लिखा था कि मैं बीमार हूं इसलिए सक्रिय राजनीति से अलग हो रहा हूं, मगर मैं अखिलेश का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का भविष्य बताया था। इन सबके बीच में कमलाकांत, जो कि
सुखदेव राजभर के बेटे होते हैं, जो 17 के चुनाव में उनके सारथी बनते हैं, जो अपने पिता के साथ चुनावी तमाम कार्यक्रमों में नजर आते हैं, उनकी खबरें ऐसी आती हैं कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इन सब के बीच में 29 अगस्त को अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं सुखदेव राजभर से मुलाकात के लिए, उनका हाल चाल जानने के लिए। तब खबरें और तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं और सियासी चर्चाएं होने लगती हैं और कमलाकांत साइकिल पर सवार भी हो जाते हैं। लेकिन सुखदेव राजभर की तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि नहीं, फिलहाल वो किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी में शामिल होना उनके लिए अभी संभव नहीं है। बार बार सेहत का हवाला दिया जाता है। अब जब इतनी बड़ी खबर सामने आई है कि सीने में दर्द की वजह से सुखदेव राजभर का निधन हो गया है, तो इसे एक बड़ा सियासी नुकसान भी माना जा रहा है। और इस तरह से कि समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियां आप देख रहे हैं कि किस तरह से राजभर वोट को अपनी तरफ लाने की कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि पूर्वांचल की सियासत में राजभर वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और करीब 45 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर जीत और हार तय करने की स्थिति में ये राजभर वोट होता है। तो तमाम सियासी संदेश भी आ रहे हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुखदेव राजभर के निधन पर क्या कहा। तो सीएम योगी ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है, अत्यंत दुखद। राजभर एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि थे और उन्हें संसदीय नियमों व परंपराओं की गहन जानकारी थी। राजभर निर्धन और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, अत्यंत दुखद, यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ राजनेता सुखदेव राजभर का निधन अपूर्णीय क्षति है। शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना, दिवंगत आत्मा को शांति दे भगवान। सामाजिक न्याय को समर्पित आपका राजनीतिक जीवन सदैव प्रेरणा देता रहेगा। मायावती ने भी ट्वीट किया और सुखदेव राजभर के परिवार को ढांढस बंधाया और सुखदेव राजभर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मायावती अपने ट्वीट में कहती हैं, यूपी में बीएसपी की रही गठबंधन सरकारों में मंत्री और 2007 में बीएसपी की बनी पहली पूर्ण बहुमत की सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे श्री सुखदेव राजभर जी के निधन की खबर अति दुखद है। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। तो सुखदेव राजभर भले ही ना रहे हों, लेकिन पूर्वांचल की सियासत में लोगों से उनके जुड़ाव के तौर पर जितने भी किस्से कहानियां हैं वो हमेशा जीवित रहेंगे। और इस बार के चुनाव में क्या कमलाकांत, जो कि साइकिल पर सवार हैं, उनको एक सिंपैथी भी मिलेगी लोगों की, क्या वो अपने पिता के कद को और बढ़ा पाएंगे, उनकी विरासत को पूर्वांचल में उसी तरह से संभाल पाएंगे, ये सवाल भी बड़ा है। तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और तफसील से खबरों को पढ़ते रहिए यूपी तक.in पर।